विद्यार्थियों, आज हमारा अभ्यास 3.4 का पांचवा प्रश्न चलेगा। पांचवा प्रश्न है, 16 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का गुणा छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो हम कैसे इसको हल करेंगे, वो देखिए। माना बड़ा भाग बराबर x, बड़ा भाग बराबर x और छोटा भाग जो है, छोटा भाग बराबर में हो जाएगा 16 माइनस है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का गुणा, तो बड़ा भाग का वर्ग का गुणा हो गया 2x² और छोटा भाग है 16 माइनस एक्स और इसके वर्ग से ये 164 अधिक है, तो ये हो जाएगा 2x² बराबर a माइनस बी के और इस बात से बोलेंगे 16 का स्क्वायर माइनस के 2 × 16 × x और प्लस में x² और प्लस में 164, तो ये हो जाएगा 2x² बराबर 16 का वर्ग हो गया 256, ये हो गए माइनस के 32x प्लस x² प्लस 164, तो ये हो जाएगा 2x² बराबर 256 और 164 को जोड़ा 420 माइनस 32x प्लस x², सबको इधर लेके आएंगे 2x² इधर आ गया माइनस x² माइनस 32x इधर आ गया प्लस के 32x 420 इधर आ गया माइनस 420 बराबर 0। तो 2x² में से x² गया तो x² माइनस प्लस के बचे 32x और ये बच्चे माइनस के 420 बराबर 0। अब इस 420 के जो टुकड़े करेंगे हम ऐसे दो संख्याओं के रूप में कि गुणा करें तो 420 आ जाए और घटाने पर 32 बचे तो इसके टुकड़े होंगे 42, भाई के 420 होते हैं तो प्लस के 42x माइनस के 10x और माइनस के 420 बराबर 0 हो गया। और दो के जोड़े बनाएंगे, x कॉमन आ गया x प्लस 42 माइनस के 10 कॉमन आ गए एक्स प्लस 42 बराबर 0, तो इसके गुणनखंड आ गए एक्स माइनस के 10 और एक्स प्लस के 42 बराबर 0। तो सबसे पहले एक्स माइनस के 10 बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर 10 आ जाएगा और एक्स प्लस के 42 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस के 42। अब क्योंकि कोई भी संख्या का भाग माइनस में नहीं हो सकता तो ये ऐड ग्रहण हो जाए, यानी इस मान को हम ग्रहण नहीं कर सकते। अतः बड़ा भाग हमने एक्स माना था और एक्स बराबर 10 आ गया और छोटा जो भाग है वो हमने 16 माइनस एक्स माना था, 16 माइनस 10 और 16 माइनस 10 करने पर 6 आ जाएंगे। इस तरीके से हम बड़ा भाग और छोटा भाग का कर सकते हैं। अब मैं जो आपको सवाल दे रहा हूँ वो सवाल हमारा 3.5 से संबंधित है। आपको जो द्विघात समीकरण दे रहा हूँ उन समीकरणों के लिए आपको समीकरण के अलौकिक प्रकृति याद करनी है 3.5। और 3.5 का पहला प्रश्न है, निम्न समीकरण के लिए b² माइनस 2ac का मान ज्ञात करो। बताइए कि इनके भागों का अस्तित्व है या नहीं, इनके भागों का अस्तित्व है या नहीं। ये आपको मैं प्रतिबंध बता चुका था और आपको केवल इतना ही कहना है, जो भी समीकरण मैं लिख रहा हूँ उनका पहले आपको 2² माइनस 4ac का मान निकालना है और उस मान से मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी कि यदि 2² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए तो अस्तित्व होगा, 0 के बराबर आ जाए तो अस्तित्व होगा और 0 से छोटा आधा ऋणात्मक मान आ जाए तो समीकरण के अलोक का अस्तित्व नहीं होगा। तो पहला है हमारा x² + x + 1 = 0, दूसरा है 2x² - 7x + 5 = 0, तीसरा है 3x² + 4x² -
चार अंडर रूट तीन एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, और चौथा है एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर तीन। इनके आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान निकालने हैं, और निकालने के बाद ये बताना है कि समीकरण के आपों का अस्तित्व है या नहीं। शेष सच्चन नेक्स्ट वीडियो में।